नमस्कार दोस्तों, मेरी छोटी सी कविता सुनिए और इसको पूरी सुनिए। वैसे आपका थोड़ा समय लगेगा, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। पूरी सुनिएगा कविता, नहीं तो मत सुनिएगा, प्लीज आपसे विनम्र विनती है। चलिए मेरी पहले कविता सुनिए कि भारतवर्ष की अद्भुत काया सुंदर और सलोना था। भारतवर्ष की अद्भुत काया सुंदर और सलोना था, सुख समृद्धि से भरपूर भारत का कोना कोना था। ब्राह्मण भी घर घर जाकर गीता वेद सुनाते थे, ब्राह्मण भी घर घर जाकर गीता वेद सुनाते थे। भगवान की एक एक वाणी एक एक संदेश सुनाते थे, शिक्षा पद्धति को जन जन में विस्तार किया करते थे वो, ज्ञान का प्रकाश भर के जीवन उद्धार किया करते थे वो। बनिए को भी हम लाला कह के चिल्लाया करते थे, बनिए को भी हम लाला कह के चिल्लाया करते थे, कंजूस मक्खी चूस बोलकर उन्हें चिढ़ाया करते थे। क्रय विक्रय के समन्वय व्यापार किया करते थे वो, क्रय विक्रय के समन्वय व्यापार किया करते थे वो, पैसे ना होने पर भी उधार दिया करते थे वो। छत्रियों को बाबू साहब कह के बुलाया करते थे, छत्रियों को बाबू साहब कह के बुलाया करते थे, इतना सुनते ही मूंछों पे वो ताव फिराया करते थे। सीमाओं पे देश के खातिर जान लगाया करते थे, सीमाओं पे देश के खातिर जान लगाया करते थे, अपने रक्तों से वो हिंदुस्तान सजाया करते थे। छठ में डोम के बिने सूप से सूर्य को अर्पण करते थे, छठ में डोम के बिने सूप से सूर्य को अर्पण करते थे, उनकी दुही अग्नि से ही पितृ को तर्पण करते थे। चमार के सहनाई के बिना शादी शुभ न होता था, चमार के सहनाई के बिना शादी शुभ न होता था, नौवा नौवाइन के बिना ना हल्दी कुमकुम होता था। काम हमारे अलग अलग, विचार हमारा एक था जी, सबको सम्मान करने का संस्कार हमारा नेक था जी, अपनी एकता के बल पर दुनिया में परचम लहराते थे। इसी पद्धति के कारण हम विश्व गुरु कहलाते थे, हम विश्व गुरु कहलाते थे। फिर जात पात का जहर ये हम में किसने घोल दिया, फिर जात पात का जहर ये हम में किसने घोल दिया, अपनी अपनी तराजू से सबने हमको तौल दिया। बुद्ध सिख जैन बोलकर हमको किसने बांटा है, ये हमारी संस्कृति पे जोरदार का चाटा है। छुआछूत भेदभाव का ये जितना भी किस्सा है, छुआछूत भेदभाव का ये जितना भी किस्सा है, ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है, ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। फूट डालो राज करो ये दुश्मनों की रणनीति थी, फूट डालो राज करो ये दुश्मनों की रणनीति थी, मुगलों और कम्युनिस्टों ने कुछ गहरी साजिश रची थी, इन्हीं दुश्मनों के साजिशों ने ये शब्द जात पात दिया, हमारी एकता अखंडता को खंड खंड में बांट दिया। ऊंच नीच भेदभाव का वो दौर अलग था जी, ऊंच नीच भेदभाव का वो दौर अलग था जी, हमें बांटने वाला वो कोई और अलग था जी। गंदे लोग आकर गंदी सोच देकर चले गए, गंदे लोग आकर गंदी सोच देकर चले गए, हमारे सोने की चिड़िया को नोच करके चले गए, नोच करके चले गए। जात पात पंथ के नाम पर कितनी बार बटोगे तुम, जात पात पंथ के नाम पर कितनी बार बटोगे तुम, जितनी बार बटोगे तुम उतनी बार कटोगे तुम। तुम मानो ना मानो ये कथन हमारा निश्चित है, तुम मानो ना मानो ये कथन हमारा निश्चित है, नहीं सुधरे तो सुन लो पतन तुम्हारा निश्चित है। एक बार फिर सुनो, पतन तुम्हारा निश्चित है। षड्यंत्र के तहत बुद्ध गुरु गोविंद को तुमसे अलग किया, षड्यंत्र के तहत बुद्ध गुरु गोविंद को तुमसे अलग किया, इसी साजिश के तहत सिंध को हिंद से तुमको अलग किया। बुद्ध सिख जैन बताकर ये नफरत का बीज बोया है, आपस में ही लड़कर हमने क्या क्या नहीं खोया है। आज भी कुछ गद्दार हमें बांटने में लगे हैं जी, आज भी कुछ गद्दार हमें बांटने में लगे हैं जी, पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह हमें काटने में लगे हैं जी। दलितों का मुखौटा पहनकर कोई तो कायर छुपा है जी, दलितों का मुखौटा पहनकर कोई तो कायर छुपा है जी, भीम आर्मी के आड़ में कहीं तो बाबर छुपा है जी, कहीं तो बाबर छुपा है जी। लाख जुल्म सहे पूर्वजों ने पर सनातन धर्म नहीं छोड़ा, लाख जुल्म सहे पूर्वजों ने पर सनातन धर्म नहीं छोड़ा, तोड़ दिया दुश्मनों का गुरूर पर अपना धर्म नहीं तोड़ा, तुम्हें फंसाने के लिए दुश्मनों ने फिर से जाल बिछाया है, जय भीम जय भीम का नारा देकर फिर तुमको भरमाया है, छुरा भोंकने के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को गले लगाया है, पहचान भेड़िया वही है, बस अपना पूंछ रंगाया है, बस अपना पूंछ रंगाया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम एक पिता के संतान है जी, जो हमको छोटा बड़ा कहे समझो वो अज्ञान है जी। वाल्मीकि वेद व्यास ने महाभारत रामायण लिखा है, रविदास कालिदास के चरणों को हमने ही तो पूजा है, जो देश की दशा दिशा बदल दे वो आप में सामर्थ है जी, जो देश की दशा दिशा बदल दे वो आप में सामर्थ है जी। हे शूद्र के शिरोमणि आप हमारे आदर्श है जी, बेशक कुछ मुद्दों पर हमसे भूल हुई होगी, बेशक कुछ मुद्दों पर हमसे भूल हुई होगी, जाने अनजाने में कुछ बातें फिजूल हुई होगी, रूठने और मनाने का अधिकार अपनों का ही होता है,
रूठने और मनाने का अधिकार अपनों का ही होता है, प्यार अपनों से है तो तकरार अपनों से ही होता है। अगर कोई गलती हो ही गई है तो माफ नहीं करोगे क्या? अगर कोई गलती हो ही गई है तो माफ नहीं करोगे क्या? अगर हमने पाप किया है तो तुम भी पाप करोगे क्या? एक कदम तुम आगे बढ़ो, एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं। एक कदम तुम आगे बढ़ो, एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं। सारे राग द्वेष भुलाकर सबको गले लगाते हैं। अपने आखिर जैसे भी हो वो अपने ही होते हैं। अपने आखिर जैसे भी हो वो अपने ही होते हैं। आओ इस बिखरे माला को फिर से चलो पिरोते हैं। माँ की गोद छोड़ दूसरा आनंद कहाँ मिलता है जी? माँ की गोद छोड़ दूसरा आनंद कहाँ मिलता है जी? अपना छोड़ दूसरों के घर में नींद कहाँ लगता है जी? आओ इस महान कीर्ति को फिर से महान बनाते हैं। आओ इस महान कीर्ति को फिर से महान बनाते हैं। मिलजुल कर फिर से स्वर्णम हिंदुस्तान बनाते हैं। स्वर्णम हिंदुस्तान बनाते हैं। नमस्कार।